और अब आपको सीधे हम दिखाते हैं कर्नाटक विधानसभा में हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है और ये गोरक्षा कानून को लेकर के यहाँ पर हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है। आपको बता दें पहले ही कांग्रेस ने ये कहा था कि इस मामले को वो आगे और ज्यादा बढ़ाने वाली है। हालांकि जेडीएस ने कहा था कि सिलेक्ट कमेटी के पास वो इस प्रस्ताव को भेजने के पक्ष में है, लेकिन इस वक्त कर्नाटक विधानसभा में आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि पहले से ही ये संभावना थी, गोरक्षा कानून को लेकर यहां पर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस मुख्य तौर पर यहां पर हंगामा कर रही है। जेडीएस पहले ही बोल चुकी थी कि इस मामले को वो सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए राजी है। नागार्जुन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नागार्जुन, पहले से ही संभावना थी कि ये दोनों ही पार्टियां आज विधानसभा में हंगामा करेगी और तस्वीरें सीधे वहां से। हेलो जी नागार्जुन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, हम कह रहे हैं कि पहले से ही गोरक्षा कानून को लेकर आज विधानसभा में हंगामे की खबर थी और खास करके मुख्य तौर पर कांग्रेस इसे ज्यादा तूल दे रही है और वहां पर तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। जी हाँ, आज जो एजेंडा में था गोरक्षा के बिल जो बीजेपी पेश करने वाले थे अपर विधान परिषद में, बट उससे पहले चेयरमैन का नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने के लिए बीजेपी प्रेशर कर रहे थे, फिर उसको डिप्टी चेयरमैन ने चेयर पे बैठा, जब कांग्रेस एमएलसी ने चेयर से उठकर डिप्टी चेयरमैन को फोर्सफुली मतलब मजल पावर यूज करके डिप्टी चेयरमैन को चेयर से निकाल दिया और तुरंत साइन डाई अर्जन हो गया और बिल भी पेश नहीं हो पाया। बिल्कुल, और यहाँ पर मुख्य तौर पर ये जो पूरा विवाद है उसके बारे में जानना चाहेंगे नागार्जुन, क्योंकि कांग्रेस चाह रही है इस पूरे मामले को कांग्रेस तूल दे रही है, लेकिन एक धड़ा एक और पार्टी जेडीएस है वो चाह रही है कि इसे सिलेक्ट कमेटी के पास इसे भेजा जाए, वहां पर फिर मंथन हो। जेडीएस भी बोल रहे थे कि सिलेक्ट कमेटी को जाना चाहिए, बट अभी सुबह सुप्रीमो जेडीएस के देवेगौड़ा जी ने एक पत्र लिखा है माध्यम को कि वो बिल्कुल इसको रिजेक्ट करेंगे। देवेगौड़ा जी बोले कि जेडीएस पक्ष जो है हाउस लॉटर बिल को पूरा रिजेक्ट करेंगे, तो अभी बीजेपी के पास नंबर भी नहीं है। बट जो काउंसिल के अंदर झगड़ा जो हुआ आज वो बिल के बारे में नहीं था, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नागार्जुन तमाम जानकारी के लिए। हम रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि बंगाल की लड़ाई वाया कोलकाता